ये है मेरा 4 साल पुराना लेमन ट्री, इसे मैंने एयर लेयरिंग से उगाया था। अगर आपके घर पर या आसपास कहीं नींबू का फलदार पेड़ है तो आप उस पेड़ में एयर लेयरिंग या कलम बांधकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं और इन नए पौधों में ठीक उस मदर ट्री की तरह अगले मौसम से ही नींबू आना शुरू हो जाएंगे जिसमें आप एयर लेयरिंग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सिर्फ नॉर्मल मिट्टी से ही नींबू के पेड़ में एयर लेयरिंग करके नए फलदार पौधे तैयार करने का सबसे आसान और तेज तरीका, कलम बांधने से लेकर फल आने तक पूरे अपडेट्स के साथ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों एयर लेयरिंग फेल हो जाती है और 100% सक्सेसफुल एयर लेयरिंग का क्या सीक्रेट है, नींबू के प्लांट की केयर कैसे की जाती है जिससे आपको साल भर ढेर सारे नींबू मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप बीच से नींबू का पेड़ उगाएं तो उसमें नींबू आने में 4-5 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, जबकि किसी फलदार नींबू के पेड़ में एयर लेयरिंग करके जो पौधा तैयार करेंगे वो अगले ही सीजन से फल देना शुरू कर देगा। नर्सरी में जिन छोटे नींबू के पौधों पर आपको नींबू लगे हुए दिखते हैं उन्हें एयर लेयरिंग से ही तैयार किया जाता है। मैं इस कागजी नींबू वैरायटी के लेमन ट्री में एयर लेयरिंग करने वाला हूं। इसे मैंने 26 इंच चौड़े इस गमले में लगाया हुआ है। ये साल भर इसी तरह से नींबू देता रहता है। दोस्तों, गमले में नींबू के पेड़ पर 100 से भी ज्यादा नींबू कैसे उगाएं, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाले वीडियोस में से एक है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं नींबू पर एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। एयर लेयरिंग के लिए आपको इस तरह की सेमी हार्डवुड वाली ब्रांच लेनी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन और नई ब्रांच नहीं होना चाहिए। इस तरह की ब्रांच में सक्सेस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ब्रांच के आसपास से कांटों को और अनवांटेड ब्रांचेस को काट लेता हूं, इससे काम करने में आसानी होगी। अब एक शार्प कटर को अल्कोहल या सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कर लीजिए। ये स्टेप जरूरी होता है क्योंकि कई बार गंदे कटर या ब्लेड यूज करने से इन्फेक्शन हो जाता है और एयर लेयरिंग खराब हो जाती है। अब ब्रांच पर इस तरह से 1 इंच की दूरी पर 2 गोल कट लगाइए। दोनों के बीच से सीधा कट लगाकर छाल को निकाल दीजिए। अब इस छिले हुए हिस्से के ऊपर इस तरह से ब्लेड से स्क्रैच करके कैम्बियम लेयर उतार लीजिए। अगर स्क्रैच नहीं किया तो शायद एयर लेयरिंग फेल हो जाए, इसलिए ये एयर लेयरिंग का सबसे जरूरी स्टेप होता है क्योंकि कैम्बियम लेयर हटने के बाद ही यहां से रूट्स निकलेंगी। रूटिंग के लिए मैं इसमें सिर्फ मिट्टी यूज करने वाला हूं। मिट्टी में पानी मिलाकर इसे थोड़ा गीला कर लीजिए। ये नॉर्मल खेत वाली काली चिकनी मिट्टी है। अगर चिकनी मिट्टी ना मिले तो आप 50% मिट्टी में 50% कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। अब इस कट के ऊपर मैं लगाने वाला हूं ये रूटिंग हार्मोन पाउडर। ये 100% ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट है। रूटिंग हार्मोन आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे बिना रूटिंग हार्मोन के भी आप नींबू में कलम बांध सकते हैं, लेकिन रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने से सक्सेस के चांसेस 100% हो जाते हैं और एयर लेयरिंग फेल होने का डर भी नहीं रहता। एयर लेयरिंग के साइज के हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट मजबूत पॉलिथीन का टुकड़ा काट लीजिए। अब गीली मिट्टी को पॉलिथीन पर रखकर कट वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से लपेट दीजिए और पॉलिथीन से कवर कर दीजिए। अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे टाइट बांध दीजिए। इस पर सिल्वर फॉइल लपेट देते हैं, इससे इसके अंदर का मॉइस्चर बना रहेगा जिससे मिट्टी सूखेगी नहीं और धूप में रूट्स एक्सपोज भी नहीं होंगी। इसमें रूटिंग शुरू होने में 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। एयर लेयरिंग किए हुए 36 दिन हो गए हैं। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। अब इसे स्टेरलाइज्ड शार्प कटर से कट कर लीजिए। अब ये आइडेंटिकल क्लोन प्लांट गमले या जमीन में लगाए जाने के लिए तैयार हो गया है। जरा देखिए कितना बढ़िया और हेल्दी रूट बॉल बनकर तैयार हुआ है।
50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत को मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाइए। अब इसे इसमें लगा दीजिए। कई बार एयर लेयरिंग तो सक्सेसफुल हो जाती है, पर मिट्टी में लगाने के बाद पौधा सूख जाता है। इससे बचने के लिए एक आसान ट्रिक है, रूट बॉल के आसपास कोकोपीट को गीला करके इस तरह से डाल दीजिए। इससे रूट्स के आसपास नमी बनी रहेगी और नई जड़ें निकलने में इसे मदद मिलेगी और कटिंग सूखेगी भी नहीं। अब इसमें भरपूर पानी दीजिए। इसके बाद इसमें पानी तभी डालें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि कई बार ओवर वाटरिंग के कारण ही एयर लेयरिंग से तैयार पौधा खराब हो जाता है। जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू न हो जाए, इसे ऐसी छायादार जगह पर रखना है जहां इसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल सके। एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब पेड़ में नई पत्तियां आने लगे। नींबू के पेड़ में आप फरवरी, मार्च और जुलाई अगस्त के महीने में एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बरसात का मौसम एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। एक साल बाद पेड़ इस तरह से घना हो जाएगा। अगले सीजन में इस पर फूल आने लगेंगे, लेकिन हमें छोटे पौधे से फल नहीं लेना है, क्योंकि इससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ स्लो हो जाती है और इसलिए पहली फ्लावरिंग में आने वाले सभी फूलों को तोड़ दीजिए। लगभग 2 साल बाद पेड़ घना हो जाएगा और इस पर जबरदस्त फ्लावरिंग होगी। मेरे गार्डन में मधुमक्खियां और भंवरे जैसे कई पॉलिनेटर्स आते हैं और अच्छे पॉलिनेशन का मतलब है ज्यादा फल आना। फ्लावरिंग खत्म होने के लगभग 1 महीने बाद फ्रूट सेट होना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने के बाद आपको ढेर सारे कच्चे नींबू देखने को मिलेंगे। फूल आने से लेकर नींबू पकने तक लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं। लगभग 2 से लेकर 2.5 साल का होने के बाद पेड़ पर ढेर सारे नींबू आने लगेंगे। नींबू के पेड़ में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कई साल का होने के बाद भी फल नहीं आना, फूल झड़ जाना, फल छोटे में ही गिर जाना और प्लांट की ग्रोथ नहीं होना। 2-3 साल का होने के बाद भी यदि नींबू का पेड़ फल नहीं दे रहा है तो शायद ये बीज से उगाया हुआ है, क्योंकि बीज से उगाए हुए नींबू के पेड़ को फल देने लायक मैच्योर होने के लिए 4-5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। यदि नींबू के फूल या छोटे छोटे फल झड़ रहे हैं तो इसके 2 कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है ओवर वाटरिंग। तो फूल आना शुरू होने के बाद पौधे में पानी तभी दीजिए जब ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी फूल गिर जाते हैं, इसलिए फ्लावरिंग शुरू होने के बाद पौधे को हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालकर हल्की गुड़ाई कर दें। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए आधी मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर डालें। पत्तियां पीली पड़ती हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण, और इसका सॉल्यूशन है मैग्नीशियम सल्फेट। इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं और ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को गमले के किनारों पर बराबर डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए। इस प्रोसेस को 1 महीने बाद दोबारा रिपीट कीजिए। किसी भी तरह के पेस्ट या बीमारी लगने पर हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे प्लांट पे अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।